देशभर में जारी है कोरोना की रफ्तार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं मुख्यमंत्रियों से बात। 23 सितंबर को हो सकती है 7 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक। आज राज्यसभा में किसानों से जुड़े 3 बिल। सरकार को समर्थन की दरकार, विपक्ष विरोध के लिए तैयार। एक्ट्रेस पायल घोष ने लगाया अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने मदद का दिया भरोसा। अनुराग ने दी सफाई। जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने दिया 8,750 करोड़ के आर्थिक पैकेज। तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने बिजली पानी के बिलों में एक साल तक 50% छूट का किया ऐलान। जोधपुर के लोहावट के सावल नगर में 3 दिन पहले दहेज के लिए मां बेटे की टोंक में टांके में डालकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका की सास, ससुर और पति को गिरफ्तार किया है। बहरोड की ग्राम पंचायत हमीदपुर में फर्जी मस्ट्रोल भरकर भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण दिनेश कुमार यादव ने बताया ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में करीब 4 लाख रुपए की लागत से मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क बनाई, लेकिन यहां मजदूरों को लगाने के बजाय जेसीबी के माध्यम से मिट्टी खोदकर बनाई गई है। कोरोना रिकवर्ड गंभीर बीमारी से जूझने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत। एसएमएस अस्पताल में शुरू हुआ डेडिकेटेड आईसीयू। न्यू इमरजेंसी आईसीयू को किया गया कोरोना रिकवर्ड मरीजों के लिए डेडिकेटेड। नागौर जिले में 43 और संक्रमित मिले हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4,171 तक पहुंच गया है, लेकिन इनमें एक्टिव केस मात्र 721 हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू। 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी सामाजिक आयोजनों पर रोक। कोटा के इटावा के करवाड़ गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। वहीं परिजनों ने 25 से 30 लाख रुपए की चोरी का अंदेशा जताया है। आबकारी विभाग ने जयपुर ग्रामीण में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दुदू में नेशनल हाईवे पर 12 चक्का कंटेनर पकड़ा, जिसमें करीब 1500 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिली और अवैध शराब की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। अजमेर के किशनगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। यहां मालियों की ढाणी के पास निर्माणाधीन मकान के पास शव मिले। मृतक की पहचान शिवाजी नगर निवासी सुनील कुमावत के रूप में हुई। राजसमंद के भीम में पूर्व सैनिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इसकी सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है गृह कलेश से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। निवर्तमान पार्षद विक्रम तंवर के नेतृत्व में साइकिल रैली आमेर के जल महल आमेर रोड से रवाना की गई। सुभाष चौक बड़ी चौपड़ होते हुए जल महल पहुंची। दुर्गापुरा स्थित श्री पिंजरा पोल गौशाला में बने सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में आमजन को घर पर सब्जियां उगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध लगाई गई है। जयपुर की दरगाह हजरत मीर कुर्बान अली साहब में हजरत महबूब उर रहमान नियाजी साहब की महाना फातिमा ख्वानी की गई। नेट थिएटर में सूफी गायक रहमान ने नातिया कलाम भरदे झोली से कव्वाली से शुरुआत की और अपनी रूहानी आवाज से ऑनलाइन दर्शकों को बांधे रखा। बहरोड क्षेत्र में देर रात को अचानक मौसम बदला। तेज गड़गड़ाहट और आसमान में बिजली चमकने के साथ ही करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। 2 सप्ताह बाद हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। ऐसे में बारिश से कटी हुई फसल भीगने से उसमें नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। उदयपुर जिले में स्थित विश्व विख्यात मीठे पानी की जैसमंद झील 9वीं बार छलकने को आतुर है। शनिवार देर शाम तक झील का जलस्तर 27 फीट तक पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ में बीते 3 दिनों से मॉनसून पूरी तरह मेहरबान है। बीते 24 घंटे में पूरे जिले में झमाझम बारिश हुई है। अरनौद उपखंड में इस दौरान सर्वाधिक 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और उसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाई थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरपीएससी आरएसएसबी को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। बूंदी जिले के दही थाना इलाके में खेत के पानी की पिलाई को लेकर काका और भतीजे में विवाद हुआ, जिसमें चाचा की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को जहर देकर मारने की साजिश व्हाइट हाउस में भेजा गया खतरनाक जहर का पार्सल। ट्रंप तक पार्सल पहुंचने से पहले सीक्रेट सर्विस ने पकड़ा। आईपीएल के पहले मैच में धोनी का चला जादू। धोनी की टीम सीएसके की जीत के साथ आगाज। मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से भी मार।